नमस्कार। देवों के देव महादेव की रात्रि महाशिवरात्रि आ गई है। इस शिवरात्रि को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। कौन महाशिवरात्रि का व्रत रख सकता है, पूजा विधि क्या होगी, क्या शुभ मुहूर्त है। हम इन्हीं सभी सवालों के साथ आज आचार्य पंडित रोहित वशिष्ठ जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो महाशिवरात्रि है, इस पर्व का क्या महत्व है, देवों के देव महादेव को आखिर क्यों इतनी प्यारी है महाशिवरात्रि, और इस बार जो योग हैं, इस बार जो शुभ मुहूर्त हैं, वो कौन कौन से हैं। मंगलवार 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव के सभी भक्त इस महाशिवरात्रि को बड़े उत्साह से रखते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव इस दिन इस धरा भूमि पर प्रकट हुए थे। सूर्य के करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान आभा मंडल से युक्त होकर के ब्रह्मा और विष्णु जी के सम्मुख भगवान शिव आज ही के दिन निराकार से साकार रूप बना करके उनको दर्शन देते हैं। उन्हें दर्शन दे करके सृष्टि के उत्पत्ति और पालन करने की प्रेरणा देते हैं। समस्त शिव भक्त आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से जतन करते हैं। जिस रूप में भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, जिस प्रकार भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, उसी विधि का पालन करते हुए भक्त भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। महाशिवरात्रि का यह व्रत धर्मशास्त्रों में व्रत राज के नाम से विख्यात है। कल 1 मार्च 2022 मंगलवार को जो शिवरात्रि पड़ रही है, इसमें बहुत सुंदर योग बन रहा है। घनिष्ठा नक्षत्र है, परिग योग है, और उस परिग योग की समाप्ति के बाद शिव योग है। इस विशेष योग में विशेष रूप से जो लोग शत्रुओं के द्वारा पीड़ित रहते हैं, जिन्हें शत्रु परेशान करते हैं, उन्हें भगवान शिव का अर्चन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार सभी को है। स्त्री हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो इस व्रत को कर सकता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान शिव के मंदिर में जाया जाए और वहां जाकर के भगवान शिव के लिए व्रत करने का मानसिक संकल्प किया जाए और संकल्प पूर्वक भगवान की पूजा की जाए, तो निश्चय ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, उसके जीवन की सारी समस्याओं को हर लेते हैं। तो यह मंगलवार को पड़ने वाला यह जो महाशिवरात्रि का व्रत है, हमें और आपको सबको मिल करके अवश्य।